कर्नाटक विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पीएम मोदी ताबड़तोड़ रोड शो और रैलियां साथ ही जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी के कुछ ही घंटे पहले की एक रोड शो पर सवाल उठाते हुए लोगों ने कहा है, प्रधानमंत्री चुनाव में इस कदर व्यस्त हैं कि उन्हें जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में 5-5 शहीद जवानों और मणिपुर में हिंसा की आग दिखाई नहीं दे रही है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने यहां तक दावा किया कि पीएम ने कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान मणिपुर हिंसा पर कुछ बोलना तो दूर, पुंछ और राजौरी में शहीद जवानों पर खेद प्रकट भी नहीं किया है। जहां प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो में व्यस्त हैं, वहीं राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी ने राजौरी और पुंछ के शहीद जवानों और मणिपुर हिंसा पर संवेदना व्यक्त की है। प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने कहा है, मणिपुर हिंसा में अब तक तकरीबन 54 लोगों की मौत हो गई है, 5 जवान कश्मीर में शहीद हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ड्रामा कर रहे हैं। पत्रकार विनोद कापरी ने पीएम मोदी की इस रोड सभा पर तंज करते हुए कहा, राजौरी पुंछ में भारतीय जवानों की शहादत और मणिपुर में 54 लोगों की भयावह मौत पर कर्नाटक में समीक्षा करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, राजौरी में आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत, पुंछ के आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं।